स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द कॉपी वर्क ऑफ चैप्टर 8 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द आंट एंड द ग्रास ऑपर. बच्चों, मैं आपको बुक में ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और आई थिंक आपको स्टोरी बड़ी अच्छी भी लगी होगी. तो बच्चों, चलिए अब हम इसका कॉपी वर्क करते हैं. कॉपी वर्क में आपको जैसा कि पहले से ही मालूम है कि हम सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों डिफिकल्ट वर्ड्स. नंबर 1 ब्राइटली, नंबर 2 ब्लूम, नंबर 3 कलेक्टिंग, नंबर 4 नेक्टर, नंबर 5 एक्टिविटीज़, नंबर 6 मेरिली, नंबर 7 मॉक्ड, नंबर 8 अम्यूज्ड, नंबर 9 अटेंशन, नंबर 10 कंटिन्यूड, नंबर 11 फुलिशनेस, नंबर 12 शिवर्ड, नंबर 13 डिसअपॉइंटेड, नंबर 14 नॉक्ड और लास्ट वन नंबर 15 इज मॉर्सल. तो बच्चों, ये इसमें 15 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. ये आपको क्यों लिखवाए जाते हैं बच्चों? जिससे कि एक तो आपको स्पेलिंग लिखनी आ जाए और दूसरी बात, जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड बुक में लिखवाए जाते हैं, उनकी हिंदी लिखवाई जाती है, वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ज़रा यहाँ पर नंबर 2 वाला पार्ट. इसमें क्या देखना है हमें? वर्ड मीनिंग्स को देखना है. चलिए बच्चों, वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने होते हैं एग्ज़ाम में. कुछ बच्चे हिंदी में लिख देते हैं, लिखते सही हैं लेकिन उनको नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं. आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही आने चाहिए. हिंदी में आपको केवल एक हेल्प के लिए लिखवाए जाते हैं. तो चलिए देखते हैं. नंबर 1 अम्यूज्ड मीन्स फाइंडिंग फनी, है ना, खुश होना. नंबर 2 शिवर्ड मीन्स शडर्ड, कांपना. नंबर 3 मॉक्ड मीन्स मजाक बनाना, मेड फन. नंबर 4 मॉर्सल मीन्स बोलते हैं बच्चों कण भर भी, तिनका भर भी इंग्लिश में है ए लिटिल बिट. नंबर 5 मैरिली मीन्स होता है बच्चों खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक, हैप्पीली. नंबर 6 फुलिशनेस, फुलिशनेस बोलते हैं बच्चों मूर्खता को, बेवकूफ़ी को, स्टूपिडिटी. ठीक है. नंबर 7 गैदर, गैदर बोलते हैं बच्चों इकट्ठा करने को, है ना. नंबर 8 ब्लूम, ब्लूम बोलते हैं बच्चों जो फ्लावर ब्लूम करते हैं, खिलखिलाते हैं, तो फूलों के खिलने को हम ब्लॉसम बोलते हैं. अब आइए जरा यहाँ पर नेम द फॉलोइंग पर देखते हैं जरा इनको. पार्ट 3 द सीज़न व्हेन द सन शाइंस ब्राइटली, जब सूर्य बहुत तेज़ी से चमकता है तो वो कौन सा सीज़न होता है बच्चों? समर. ठीक है. नंबर 2 द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय द ग्रास ऑपर, वह इंस्ट्रूमेंट जो कि ग्रास ऑपर के द्वारा बजाया जा रहा था वो था वायलिन. ठीक है. नंबर 3 द सीज़न व्हेन एवरीथिंग कवर्ड विद स्नो, वो सीज़न, वो मौसम जबकि सब कुछ बर्फ़ से ढक जाता है, वो था हमारा विंटर. नंबर 4 द प्लेस वेयर द आंट वॉज आस्क्ड टू टेक रेस्ट, वो प्लेस, वो जगह जहाँ पर जो ग्रास ऑपर ने आंट को रेस्ट करने के लिए बोला था, तो कौन सा था वो प्लेस? अंडर द शेड ऑफ द ट्री. ठीक है. नंबर 5 द फूड द ग्रास ऑपर वेंट लुकिंग फॉर, वह भोजन जो कि ग्रास ऑपर ढूंढने के लिए गया था इन विंटर, सर्दियों में, तो कौन से भोजन को देखने के लिए गया था? ग्रीन लीव्स एंड ग्रास. ठीक है, हरी पत्तियों को और घास फूस को. तो बच्चों, ये मैंने आपको पार्ट 1 कराया कॉपी में. इसके बाद आपको पार्ट 2 कराया जाएगा, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट कराए जाएंगे. ओके, चलिए. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.